एक और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भारत को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए उनके द्वारा कड़ी मेहनत की गई और स्वच्छता अभियान को अमल में लाया गया। जगह जगह गलियों में पड़ी गंदगी को इस अभियान के तहत साफ किया गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे हैं कर्मचारी। मामला शिकारपुर नगर के कोट कला का है, जहाँ लोधी वाली चौपाल के पास लगभग 12 दिनों से गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, जिसे पालिका के कर्मचारी द्वारा आज तक नहीं उठाया गया। गंदगी के आसपास रह रहे राहुल, भोला, गोलू, सोनू, मुकेश, नन्हे आदि ने बताया कि इस गंदगी के कारण उन्हें बहुत परेशानी होती है, क्योंकि इससे दुर्गंध आती है, निकलना भी दुर्लभ होता है। गंदगी पड़े होने से तरह तरह की बीमारियां भी पैदा हो सकती है, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लापरवाही नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है और परेशानियां लोगों को हो रही है। कहा जा सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को शिकारपुर नगर पालिका के कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है। अच्छा, कौन से वार्ड में रहते हो? वार्ड 24। कौन सा मोहल्ला लगता है? कोट कला। क्या समस्या आए यहाँ? समस्या ये है कि साहब, कितने दिनों से पड़ी हुई है गंदगी? 10-12 दिन हो गए। अच्छा, 10-12 दिन से यहाँ सफाई नहीं हुई जी।